वॉन्ट टू नो वॉट इज शेयर बाय बैक? शेयर बाय बैक कितने टाइप का होता है एंड वाई डू कंपनीज इवन बाय देयर ओन शेयर एट लॉस? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि शेयर बाय बैक होता क्या है। शेयर बाय बैक एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनी ओपन मार्केट से अपने ही शेयर्स को हाई प्राइस पर बाय कर लेती है। ये बाय बैक दो टाइप का हो सकता है, ओपन मार्केट या फिर टेंडर ऑफर। तो जब कंपनी डायरेक्ट ओपन मार्केट में जाके अपने शेयर्स परचेज करे तो उसे ओपन मार्केट बाय बैक कहते हैं, और जब कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर से ही परचेज करना चाहती है तो उसे टेंडर ऑफर बायबैक कहते हैं। और सवाल ये है कि कंपनीज बायबैक करती ही क्यों है? ऐसे कौन से फायदे हैं जिनके कारण कंपनीज अपने ही शेयर्स को परचेज कर लेती हैं? नंबर वन रीजन है, जब कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है एंड कंपनी वांट्स टू रिटर्न इट टू इट्स शेयर होल्डर्स, जस्ट सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। दूसरा रीजन है कि जब कंपनी को लगे कि उसका शेयर प्राइस काफी अंडर वैल्यूड है और कंपनी अपने सरप्लस कैश को यूज करके इसके शेयर प्राइस को ग्रो कर सकती है। अब देखते हैं बायबैक का इम्पैक्ट क्या होता है। शेयर बायबैक करने से कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ईपीएस भी बढ़ जाता है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी का पीई रेशियो कम हो जाता है। इससे कंपनी का शेयर फेयर प्राइस की तरफ मूव करता है। तो ओवरऑल शेयर बायबैक से कंपनी के रेपुटेशन पर अच्छा असर पड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।